मैं राजी, जो तू चाहे मैं राजी। सही है, सामान वामान आ रहा है। आ जाओ बच्चे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, करीब आओ बाबा, करीब आओ, करीब आओ। ये लो, ठीक है, फोटो खिंचाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? राशिद। सैनिटाइजर दे। एक मिनट, वो बच्चे इधर आओ, इसको बुलाओ, इधर आओ, इधर इधर सामने आओ, सामने से आओ, तस्वीर खींचो। हाँ उधर देखो, ये पकड़ो इसको, ठीक है। चलो भाई चलो, मेरा काम किया तूने। सर ईमान के टीम मेंबर से बात हुई है हमारी, वो तरह मसरूफ है कोर्ट कचहरी के चक्कर में। ये तो मेरी तरफ से इनवाइट करो, उसको बुलाओ ना, वैसे तो खुद ही रब्ता करना चाहिए था उनको। जी सर, एक वायद मैं ही पॉलिटिशियन हूँ जो इस मामले पर बात कर रहा है। हाँ भाई, कोई रह गया है बुला लो। अभी कोर्ट कचहरी के चक्कर में उनको पता चलेगा कि कितने कनेक्शन की जरूरत होती है, पता चलेगा असल सेलिब्रिटी कौन है। हटाओ बच्चों को, क्या हो रहा है, ये मेरी गाड़ी खराब कर रहा है, देखो उसको। राफी, राफी, बुला बीबी पास आए। बेटा क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा? और डॉट मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते, प्लीज चले जा मेरी जिंदगी से। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दे बेटा, कुछ तो बताओ क्या मसला है, क्यों ऐसे कर रहे हो बेटा? पहले भी तो छोड़ा जाना पड़ा रहता था यहाँ पर, मैं किसी को परवाह थी नहीं, आप लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं है, जा यहाँ से। बेटा भूल जा, भूल जा और जा यहाँ से, भूल जा राफे, प्लीज प्लीज बेटा दरवाजा खोलो, राफे प्लीज ऐसे मत करो, ओपन द डोर राफे, राफे मेरा बच्चा, प्लीज ओपन द डोर, ये क्या प्लीज बताओ ना बेटा क्या परेशानी है, राफे राफे प्लीज ऐसे मत करो।
जो आना चाहता आए, जो नहीं आना चाहता ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ आई एम श्योर। ओके खुलिया देखो अपना, नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। अपनी बच्ची को लो और निकलो यहां से, मुझे बहुत मिल जाएंगे। बाकी औरतों को देखा है, खुद खराब किया है तुमने अपने आप को। आप लोगों की दरख्वास्त पर ये केस इन प्राइवेट सुना जा रहा है, केस की कार्रवाई शुरू की जाए। देखिए इल्ज़ाम की नोयत चाहे जो भी हो, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी शोहरत याफ्ता इंसान का केस एक हाई प्रोफाइल केस रहा हो। कुछ केसेस को ज़बरदस्ती हाई प्रोफाइल बनाने की कोशिश की जाती है, बात सीधी सी है ना। घर की चार दीवारी में ना कोई कैमरा ना कोई गवाह है, सच है, झूठ है और ज़मीर। और ये जंग कब से चल रही है, जब से इंसान का वजूद तसव्वुर में आया। बेशक मेरे क्लाइंट और ईमान साहबा के अलावा कोई नहीं जानता कि इस मामले की असल हकीकत क्या है, और मैं समझता हूँ कि मेरे क्लाइंट पर लगाया जाने वाला इल्ज़ाम सरासर झूठ है, और मैं ये साबित भी कर सकता हूँ। ये उन मकामात की फुटेज हैं जो पिछले 3 साल में जहाँ पर मेरा क्लाइंट और ईमान साहबा की मुलाकातें हुई। ऑफिसेस, एजेंसीज, डिनर्स, घर की पहली मुलाकात, घर की पहली मुलाकात और उसके नतीजे में लगाया जाने वाला इल्ज़ाम। मौके से फ़ायदा नहीं उठाना तो और क्या। ऑब्जेक्शन जरा, ओवर रूल। सलाल खान एक प्रोफेशनल है, अपने स्टेटस की अहमियत को अच्छी तरह समझते हैं। आज तक उनके साथ काम करने वालों ने कभी उनके बिहेवियर को सवाल निशान नहीं बनाया, मगर अब अचानक इतना बड़ा इल्ज़ाम, मेरी समझ से बाहर। योर ऑनर, इंसान अपने बने हुए इमेज
और स्टेटस का ही फायदा उठाता है जो कि उसको लोगों के तवस्सुत से मिलता है। उस दिन जो भी हुआ उसका इन फुटेज से क्या लेना देना है? बात सिर्फ उस एक दिन की है, बकिया के 3 सालों की नहीं। बात को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। मैं आपकी इजाजत से ईमान साहबा को स्टैंड पर बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। ईमान साहब, आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 6-7 साल। 6 या 7? 7। 7। इससे पहले आप किसी मार्केटिंग फर्म में नौकरी कर रही थी, गालिबन अपनी पढ़ाई के साथ? जी। यानी आपने स्ट्रगल की है, अपना रास्ता खुद बनाया है। ये रास्ता बनाने की आदत इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन आवर रूल। तीन साल की खामोशी तोड़ना, वो भी सालार साहब की फिल्म की रिलीज से महज चंद दिन पहले, इसे क्या समझे? एक इत्तेफाक जो किसी की जिंदगी, किसी का करियर, किसी के रेपुटेशन को खा जाए, मैं ऐसे इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप तो मार्केटिंग के बैकग्राउंड से हैं, चीजों को बेचना, उन्हें प्रमोट करना अच्छी तरह जानती होंगी, तो फिर ये मानना तो बहुत मुश्किल है कि आपने अपने करियर के लिए इस स्ट्रेटेजी को नहीं अपनाया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेन। कम टू द पॉइंट प्लीज। थैंक यू योर ऑनर। कॉन्ट्रैक्ट की कुछ कॉपीज हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। योर ऑनर, ये उन कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपीज हैं जिसमें ईमान साहब के साइन हैं, सिग्नेचर हैं। इनमें से बेशतर कंपनीज वो हैं जो सालार साहब के साथ काम कर रहे थे, किसी के काम और किसी के हक पे डाका डालना। इसी बात मेरे साथ काम करने का फैसला इन लोगों का था, मैं खुद चलकर इनके पास नहीं गई। आपको जाने की जरूरत की नहीं है, यह बहुत मुख्तसर है। ग्लोबल विलेज, किसी का लिखा हुआ एक लफ्ज किसी की जिंदगी बना सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं सलार खान को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। सालार साहब, आप युसरा नामी लड़की की पोस्ट से वाकिफ हैं? तो आपके मुताबिक वो भी सब झूठ है, यानी कि आपका उनसे मिलना, उनके साथ इन्वॉल्व होना और फिर छोड़ देना, ये सब भी झूठ और बकवास है। सच है।
यानी कि आप मानते हैं कि शादीशुदा होने के बावजूद भी आपके बहुत सारे अफेयर बाहर चल रहे हैं। ऑब्जेक्शन, मेरे क्लाइंट पर जाती अटैक किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन आवर रूम। थैंक यू योर ऑनर, मैं तो सिर्फ सलार साहब का किरदार बयान कर रहा था। आप अपनी इनकॉम्पिटेंसी बयान कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है, सही गलत, अपनी मर्जी से किया है, और इस सब में मैंने दूसरे की मर्जी का भी एहतराम किया है। That's all I have to say. That's all, Your Honor. तुम हमारे साथ मत बैठो। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मा ने मना किया, तुम्हारे पापा गंदे आदमी है। नहीं, मेरे पापा गंदे नहीं है। तुम्हारे पापा गंदे हैं, गंदे हैं, गंदे हैं। तेरा मन है कहना मेरे पापा गंदे नहीं है, तुम्हारे पापा गंदे हैं। छोड़ो, क्यों लड़ो, बैठ जाओ आराम से। भी अभी नहीं लड़ना। घबराने की जरूरत नहीं है, स्टे कॉन्फिडेंट। सवाल चाहे जो भी हूं, मेरे हिसाब से आज की हेयरिंग हमारे फेवर में। शायद I think you should come back home, Sanar. मैं कल घर आने वाला हूँ। अभी आ जाओ, it's urgent. क्या बात है? दानिया की तबीयत बहुत खराब है। She's constantly crying. Fever भी बहुत ज्यादा हो गया है। बुखार है सर। अब तो फिर भी कम है। She's only been crying. मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा। बच्चों को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? इसमें किसी की गलती नहीं है सालार, सब अपनी जगह ठीक है। जब तुम कोर्ट में थे, तुम्हारी बेटी अपनी तरफ से स्कूल में तुम्हारा केस लड़ रही थी। It's their fate. बाबा। जी पापा की जान। सब आपको इतना बुरा भला क्यों कहते हैं? आपने तो कुछ गलत नहीं किया। बाजी, डॉक्टर ने ये पर्ची दी है। उसने तो कुछ नहीं कहा। अनवर की बात करी। चल,
ये रखो। बहुत काम करती हो, मम्मी का ख्याल भी रखती हो, देर तक रहती हो, इसे अपने लिए कुछ खाना घर में नहीं देना। शुक्रिया। बाजी, आप केस जीत जाएंगी ना? हाँ, ठीक है सर। आप जिम यूज नहीं कर सकते, काइंडली अपना लॉकर खाली कर लिएगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ का पेड मेंबर हूँ। आई एम सॉरी सर, बट मुझे मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि मैं आपको ये दे दूँ। से बात किए बगैर मेरी मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई। आई एम सॉरी सर, मुझे मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया था। थैंक यू। इट्स अ लॉन्ग कॉज एंड अ लॉन्ग केस ऑलरेडी। अब तो उसके अपने दोस्त भी खिलाफ हो गए हैं। देखा नहीं, वही इसने क्या किया है? आज कुछ तो कल कुछ। वो कौन सा दोस्त है उसका? कोई ना कोई फायदा तो हो रहा होगा उसे। फायदा? फायदा तो सबका ही हो रहा है। अदरवाइज नो वन केयर्स अबाउट हिम। तानिया प्लीज। नो सीरियसली, शराफत का क्राइटेरिया क्या है आप सबकी नजर में? सलार जैसा भी है, आई हैव नेवर फेल्ट अनकंफर्टेबल अराउंड हिम। इनफैक्ट तुम लोगों ने उससे ज्यादा मुझे अनकंफर्टेबल किया है, कभी अपनी बातों से और कभी अपनी हरकतों से। फील फ्री टू लीव, बट मिला करो हम लोगों से प्लीज। अरे जाने दें सर, काम नहीं मिलेगा तो खुद ही अकल ठिकाने पे आ जाएगी इसकी। मानू, देखो ना यार, अगर तुम मिलती नहीं हो, ऊपर से फोन नहीं उठाती, यू नॉट हेल्पिंग एट ऑल। पता है हाउ दी शादी जार यार। कोई सा भी ले लो, कम अच्छा। सब खरीद लूं? हाँ बल्कि ठीक ही है, तुम्हारा भी क्या भरोसा, कभी भी शादी कर लो, मुझे तो काम ही आएंगे। क्या हुआ? कुछ सी कुछ तो हुआ है, टेल मी, टेल मी। क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। से लड़ाई हुई है? कुछ नहीं, बताओ ना मुझे क्या हुआ है। बस मैं अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। ओके, प्लीज हेल्प मी। जा, आई विल। अच्छा रोते तो नहीं है ना? कुछ नहीं होगा।
ऐसी क्या अर्जेंसी थी? मुदस्सिर, हम सब का ख्याल है कि हमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए. आई मीन वी हैव बीन डूइंग वेरी वेल, और इतनी कामयाबी के बाद क्या फायदा है कि क्रिटिसिज्म मिलना शुरू हो जाए. प्लीज कम टू द पॉइंट. हमें सालार और ईमान से थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए. कोर्ट ट्रायल भी चल रहा है. एक जरा सी गलती केस में गड़बड़ कर सकती है, चाहे वो सही हो या गलत. आर यू सीरियस? आई मीन तुम सब ठीक हो ना? क्या हो गया तुम लोग? जब सबकी नजरें टीवी पर जमी हुई हैं, सब इस केस के बारे में जानना चाहते हैं, उस पर बात करना बंद कर दें? नो, ये नहीं हो सकता. मुदस्सिर, मुदस्सिर, केस की खबरें तो चलती रहेंगी. एक बात को पीटने का क्या फायदा है? देयर इज नथिंग लेफ्ट. हाँ तो ये बोलो ना कि मसला ये है. एक निकम्मी सी कंटेंट टीम तुमने हायर कर ली जिनसे बेसिक सर्च इंजन तो चलता नहीं है. ठीक है, अभी की बात नहीं करते, लेकिन पहले की बात कर सकते हैं. कभी कभी माजी में झांकने से बहुत कुछ मिल जाता है. अब तुम बात करोगे पास्ट रिलेशनशिप की, सालार की रंत शायद, या फिर इस बारे में कि वो पास्ट रिलेशनशिप चल क्यों नहीं सके. वो कहते हैं ना, मे बी यू डन विद योर पास्ट, बट व्हाट इफ द पास्ट इज नॉट डन विद यू. इस सब के बाद जिम में कितनी देर दौड़ लेते हैं आप? दौड़ता था, इमेजिन मुझे उस जिम में जाने से रोक दिया गया जहां मैं पिछले 6 साल से जा रहा था. उन्हें अपने क्लब में कोई हरेसर नहीं चाहिए. मेरी वजह से वहां के आदमियों की इज्जत को भी खतरा था शायद. Tell me something. कोर्ट में ईमान से आमना सामना हुआ, कोई बात हुई? हम दोनों की चुप इस पूरी तरह चीख रही थी कि बात करने की जरूरत नहीं पड़ी. शांति है मोना, एक तंस था उसके चेहरे पर, गुरूर था जीत का. औरत होने जैसे वो जान गई हो कि मैं जीत भी गया तो फिर भी हार जाऊंगा. क्योंकि मेरी इज्जत कभी वापस नहीं मिलेगी मुझे. दिस लेबल विल स्टे विद मी. पता है सालार, मैं आपके एक मैसेज पे यहां क्यों आई? नॉट बिकॉज आई सपोर्ट यू, लेकिन मेरी नजरों में आप एक अच्छे इंसान हैं. आखिर गलतियां तो किसी से भी हो जाए. इंसान जानते हैं, अपनी नजरों में मैं क्या हूं? दुनिया का बदतरीन बाप जो अपने बच्चों को उस कालक से बचा नहीं पाया जो उसके चेहरे पे मरी जा रही थी. सो डैम ब्रोकन मोलाम.
सलाह, शायद आपको लगे कि मैं कमजोर लम्हे का फायदा उठा रही हूँ, या फिर अपने प्रोफेशन का, या शायद इस बात का कि अब हम दोस्त हैं। बट आई नीड टू नो सलार, डिड यू डू इट? डिड यू? थैंक यू। ऐसे वक्त में जब मेरे अपने भी मुझसे बात करने से कतराते हैं, आप आई मींस अ लॉट। सलाम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू बेटा? मैं सब ठीक है। आपकी बेटी, हेलो अंकल, आपकी बेटी नाराज है ना, तो सॉरी कहने आया हूँ। वहाँ वो है घर पे? हाँ बेटा, ऊपर है। हाँ चल। सो आई होप ऑल इज गुड बेटा। जी जी अंकल। घर में सब ठीक है? जी। हाउ इज योर फादर डूइंग? गुड बेबी। बेटा आप लोग ऊपर जाके बैठ जाइए। नहीं नहीं आंटी, हम यही बैठ जाएंगे। राफी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब फोन ऑफ करोगी तो यही करना पड़ेगा ना। यार जानता हूँ थोड़ी ज्यादा हो गई थी उस दिन, जानता हूँ मैंने लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं, सॉरी ना। राफी प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों मुझे करनी है? क्योंकि जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। सो नाइस ऑफ यू, तुमने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया ना। अच्छी लगती है बात मुझे तुम्हारी। अब मेरे लिए मॉम और डैड को भेजना और भी आसान हो जाएगा। गेट मैरिड मानो। हो गया ऑन, अब बंद मत करना। I love you. Okay uncle. Okay aunty. बेटा, thank you. सबको सलाम कहना। जी जी। Okay. Okay मानून। Take care हाँ। बेटा, ऑल वेल? जी डैड। वो आपको पता है शैला और बच्चे कनाडा जा रहे हैं, क्यों ना हम भी चले, क्या कहते हैं आप? आई थिंक बहुत अच्छा आइडिया है। डैड, दिस इज नॉट द राइट टाइम, आई एम नॉट श्योर। मुझे ना सईद से कहिए मुझे फैक्ट्री जाना है। जी मैं कहती हूँ।
बेटा तुम्हारे दादा जो थे ना बहुत सख्त आदमी थे, तो मैंने अपनी जिंदगी में अर्ली ऑन डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने बच्चों पर जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम्हारी मामा भी ऐसी है, कूल। इज एवरीथिंग कूल बेटा? जी डैड, बस थोड़े से पोजेसिव है और वसीला भी बहुत है। हाँ लेकिन मान तो लेता है बात, इज ओके। जिंदगी में हमें खूब से खूब तर की तलाश रहती है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें हमारे इख्तियार से बाहर हो जाती, हमारे काबू में नहीं रहती। ऐसी चीजों से बंध के रहना नहीं चाहिए। और हमने कभी ऐसा चाहा भी नहीं। तुम बस वो करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। Nobody, nobody should make you unhappy. Are you unhappy? Not at all. मैंने कहा ना, वो अच्छा है। I'll manage. हमने तुम्हारी जिंदगी में कभी इंटरफेयर नहीं किया। As long as you are in control. क्योंकि मैं ग्रीन हूं।